फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एयरफोर्स के फाइटर जहाज में पैराशूट होता है, लेकिन पैसेंजर जहाज में पैराशूट नहीं होता है। क्या आपको पता है पैसेंजर जहाज में पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, फाइटर जहाज में सिर्फ एक ही सीट होती है, वो भी सिर्फ पायलट के लिए। इस सीट में एक पैराशूट परमानेंटली अटैच रहता है और सीट के ऊपर की छत ग्लास यानी कि कांच की होती है। इमरजेंसी के टाइम जान बचाने के लिए पायलट एक हैंडल को खींचता है जिससे ग्लास की छत टूट जाती है और पायलट सीट के साथ ऊपर की साइड उड़ जाता है। जैसे ही पायलट ऊपर जाता है, कुछ देर बाद पैराशूट खुल जाता है और पायलट धीरे धीरे नीचे आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस टाइप की पैराशूट वाली सीट पैसेंजर जहाज में लगाना संभव नहीं है, क्योंकि पैसेंजर जहाज में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है और हर सीट के ऊपर ग्लास की छत बनाना भी पॉसिबल नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो भी पैसेंजर्स के पास नहीं होती है। इन्हीं सब रीज़न की वजह से सिविल जहाज में पैराशूट नहीं होता है। क्या आज से पहले यह फैक्ट आपको पता था? यदि नहीं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं।